हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो नेशनल वाइड 3 मई तक लॉकडाउन लग गया है। उसके बाद दोस्तों बीसीसीआई ने हम सबके सामने आईपीएल 2020 को कराने का 4 शेड्यूल रखा है और बीसीसीआई ने कहा है कि इन्हीं 4 तारीखों में से किसी एक तारीख पर हम आईपीएल 2020 का आयोजन कराने वाले हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बीसीसीआई द्वारा बताए गए 4 शेड्यूल का डिस्कस करने वाले हैं और आपको पूरे डिटेल में 4 शेड्यूल के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको क्रिकेट से रिलेटेड, आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो दोस्तों जो सबसे पहला प्लान, सबसे पहला शेड्यूल बीसीसीआई ने हम सबके सामने रखा है वो दोस्तों जून जुलाई का विंडो है, क्योंकि गाइस जब अप्रैल और मई के महीने में आईपीएल बिल्कुल से यहाँ पे इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि 3 मई तक ऑलरेडी लॉकडाउन लग गया है और देश में स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही है। तो ऐसे में मई में तो आईपीएल बिल्कुल से भी इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में बीसीसीआई के पास जो दूसरा प्लान है वो है जून जुलाई का विंडो। तो गाइस जून जुलाई के विंडो में आईपीएल हम लोगों को देखने को मिल सकता है और जून जुलाई के विंडो में हालांकि थोड़ा सा मानसून का प्रॉब्लम फेस ना पड़ सकता है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दे तो ये काफ़ी सेफ विंडो रहता है आईपीएल 2020 के लिए। और यहाँ पर जून जुलाई में भारत का श्रीलंका का दौरा है, साथ ही साथ जिम्बाब्वे के साथ सीरीज भी है। तो बीसीसीआई इन सीरीज को कैंसिल करके उसके जगह आईपीएल का यहाँ पर आयोजन करवा सकती है। और दोस्तों जून जुलाई में फॉरेन प्लेयर भी अवेलेबल रहने वाले हैं, तो ऐसे में जून जुलाई आईपीएल 2020 के लिए एक सेफ और एक अच्छा यहाँ पर विंडो हो सकता है। उसके बाद गए जो दूसरा प्लान बीसीसीआई ने जो दूसरा शेड्यूल हम सबके सामने रखा है वो दोस्तों अगस्त का विंडो रखा है। तो गाइस अगस्त का विंडो आईपीएल 2020 के लिए सबसे बेस्ट माना जा रहा है। अगस्त में आपको 30 दिन का समय मिलेगा, 30 डे का समय मिलेगा और बीसीसीआई इस 30 डे में एक मिनी आईपीएल का आयोजन करा सकती है। और गाइस सभी देश इस समय फ्री रहेंगे, किसी भी देश की सीरीज नहीं है अगस्त में, सिर्फ इंग्लैंड की एक सीरीज चल रही होगी अगस्त में, लेकिन आईपीएल में इंग्लैंड के उतने ज़्यादा प्लेयर नहीं है। तो बीसीसीआई इन अगर प्रॉब्लम को इग्नोर करे तो अगस्त एक बहुत बढ़िया विंडो साबित हो सकता है और अगस्त में भी आईपीएल 2020 का आयोजन करा जा सकता है। उसके बाद गाइस जो तीसरा यहाँ पर प्लान बीसीसीआई ने हम सबके सामने रखा है आईपीएल 2020 को कराने का, वो दोस्तों सितंबर का विंडो रखा है, यानी कि दोस्तों वर्ल्ड कप 2020 से ठीक पहले बीसीसीआई आईपीएल का आयोजन करा सकते हैं। और बहुत से देशों के दिग्गज और जो लीजेंडरी प्लेयर रह चुके हैं उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले अगर आईपीएल कराया जाता है तो ऐसे में सभी क्रिकेटर्स का काफी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ऐसे में बीसीसीआई सितंबर में आईपीएल 2020 को करा सकती है और सितंबर भी काफी अच्छा विंडो रहने वाला है, क्योंकि सितंबर में किसी भी देश की कोई सीरीज नहीं चल रही होगी और 12 सितंबर को इंग्लैंड की एक सीरीज है जो कि 12 सितंबर को खत्म हो जाएगी, उसके बाद 18 अक्टूबर को वर्ल्ड कप शुरू होगा। तो ऐसे में 12 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक बिल्कुल जो ये 36 डे का विंडो है ये बिल्कुल से खाली रहने वाला है। तो इस विंडो में बीसीसीआई आईपीएल का आयोजन करा सकती है, यहां पर आपको ज्यादा डबल हेडर्स मुकाबले देखने को मिल सकते हैं और 30 से 35 दिन का यह पूरा टूर्नामेंट चलने वाला है। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा विंडो ये देखने को मिल सकता है और काफ़ी ज़्यादा चांसेज है कि बीसीसीआई इसी विंडो में सितंबर में ही आईपीएल को कराए। हालांकि एशिया कप भी इसी विंडो में है, लेकिन अगर बीसीसीआई अपना पूरा जोर लगा देती है और एशिया कप खेलने से मना कर देती है तो मजबूरन एशियन क्रिकेट काउंसिल को एशिया कप को रद्द करना पड़ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो सितंबर में आईपीएल 2020 को बीसीसीआई करा सकती है। उसके बाद गई जो आखिरी प्लान बीसीसीआई ने हम सबके सामने रखा है, जो चौथा शेड्यूल बीसीसीआई ने बताया है वो दोस्तों इन प्लेस ऑफ वर्ल्ड कप है। तो गाइस यहाँ पर वर्ल्ड कप की जगह आईपीएल का आयोजन हो सकता है। हालांकि आप सोचोगे कि ऐसा कैसे होगा, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिसके वजह से वर्ल्ड कप 2020 यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। अगर गाइज हम रीजन की बात करें तो जो सबसे पहला रीजन है वो दोस्तों ये है कि ऑस्ट्रेलिया में ट्रेवल रेस्ट्रिकेशन है, मतलब कोई भी विदेशी नागरिक ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा सकता। तो ऐसे में वर्ल्ड कप वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वर्ल्ड कप जिस देश में रहता है वहाँ पर जो आईसीसी के मेंबर है वो 2-3 महीने पहले ही जाते हैं और वहाँ पर तैयारी करते हैं। तो गाइज ऐसे में यहाँ पर कोई भी आईसीसी का नागरिक यहाँ पर नहीं जा पाएगा ऑस्ट्रेलिया में, तो ऐसे में यहाँ पर वर्ल्ड कप 2020 भी कैंसिल हो सकता है। तो अगर वर्ल्ड कप 2020 स्थगित किया जाता है तो बीसीसीआई के लिए काफी अच्छा गुड न्यूज होगा और बीसीसीआई अक्टूबर नवंबर के विंडो में आईपीएल 2020 का आयोजन करा सकती है और एक काफी अच्छा विंडो साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप नहीं होता तो बीसीसीआई को लगभग 40 से 50 दिन का समय मिल जाएगा आईपीएल को आयोजन कराने के लिए। तो यह काफी सेफेस्ट वेन्यू माना जा रहा है। तो दोस्तों यह थी वो 4 तारीखें, 4 शेड्यूल जिनमें से किसी एक शेड्यूल पर आईपीएल 2020 का आयोजन हो सकता है। आपको क्या लगता है इन शेड्यूल में से कौन से शेड्यूल पर आईपीएल 2020 का आयोजन
होना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्रिकेट से जुड़ी, IPL से जुड़ी इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग न्यूज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।